हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सपेंस। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स जनवरी और फरवरी महीने के 2022 के। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछ जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बुक्स और ऑथर्स एक ऐसा टॉपिक है करंट अफेयर्स में जिससे एक या दो क्वेश्चन तो पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, जनवरी और फरवरी महीने को मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एक बुक जिसका नाम है द टर्नओवर विजार्ड। और इसे लिखा है एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है अरूप रॉय चौधरी ने किताब लिखी है द टर्नओवर विजार्ड और सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। द टर्नओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, तो ये बुक लिखी है अरूप राय चौधरी ने। अगली जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये बेस्ड है ममता बनर्जी के ऊपर, राइट? ममता बनर्जी के ऊपर ये बेस्ड है, जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, राइट? और ममता बियॉन्ड इस किताब का नाम है, ममता बियॉन्ड 2021। और ये जो बुक है उसे लिखा है जयंत घोषाल ने इस किताब को लिखा हुआ है। और ममता बनर्जी वैसे वेस्ट बंगाल की सीएम है, और वेस्ट बंगाल में अभी अभी एक फेस्टिवल भी मनाया गया था जिसका नाम है गंगा सागर महोत्सव। ये भी यहाँ पर मनाया गया वेस्ट बंगाल में। और एक ज़िला है जिसका नाम है 24 परगना, ठीक है, 24 परगना, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये गंगा सागर फेस्टिवल मनाया गया, राइट? तो ये भी आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल के बारे में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में जो 16 अगस्त है, यानी कि 16th of August है, इस दिन से खेला होबे दिवस ये भी यहाँ पर मनाया जाएगा। तो ये भी आपको वेस्ट बंगाल के बारे में भूलना नहीं है। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर बुक्सा टाइगर रिजर्व है, राइट? और सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। सुंदरवन वैसे एक रामसर साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, राइट? तो ये अभी आपको वेस्ट बंगाल के बारे में भूलना नहीं है, राइट? और वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो है कोलकाता, और कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क भी बन रहा है, ये भी आपको नहीं भूलना है। बढ़ते हैं आगे। एंटरप्रेन्योर रतन टाटा के जीवन पर बेस्ड एक किताब है, रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। ये बायोग्राफी है, ऑथराइज्ड है रतन टाटा की, और इसे लिखा है थॉमस मैथ्यू ने इसे लिखा है। और नवंबर 2022 में ये पब्लिश हो जाएगी, राइट? नवंबर 2022 में इसको पब्लिश किया जाएगा। और रतन टाटा काफ़ी जाने माने, काफ़ी फेमस यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, काफ़ी काइंड हार्टेड भी हैं, अपने दान वीरता के कारण भी जाने जाते हैं। और अगर मैं पूछूं कि जो टाटा ग्रुप है, राइट, जो टाटा ग्रुप है इसके मालिक इस समय हैं कौन? क्या रतन टाटा है इसके मालिक? नहीं, इस समय इसके जो मालिक हैं वो हैं एन चंद्रशेखरन जो हैं वो इसके मालिक हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो टाटा इंडिया है उसने जो एयर इंडिया है, जो सरकारी यहाँ पर जो विमान की कंपनी थी गवर्नमेंट एयर इंडिया, उसको भी ख़रीदा है। और इसको ख़रीदने के लिए एक कंपनी बनाई थी इसने जिसका नाम है टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, राइट? तो टाटा ने क्या किया, टाटा ने एक कंपनी बनाई टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी ने ख़रीदा किसको, एयर इंडिया को, राइट? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एयर इंडिया वैसे जो बनाई गई थी कंपनी वो स्टार्ट भी की थी टाटा ने, तो टाटा ने एक बार फिर से जो अपनी पूरा कंपनी थी जो टाटा ने स्टार्ट की थी उसको यहाँ पर वापस ले लिया है गवर्नमेंट से, राइट? तो गवर्नमेंट ने इसको बेचा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये जो बायोग्राफी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, श्योर शॉट ये तो आनी ही है। पढ़ते हैं आगे। और ये जो बुक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है SBI की, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके पूर्व चेयरमैन जो अरुंधति भट्टाचार्य हैं, क्योंकि इन्होंने ये किताब लिखी है। और इस बुक का नाम है इनडोमिटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट बुक।
अरुंधति भट्टाचार्य। और अरुंधति भट्टाचार्य इस समय जो सेल्स फोर्स ग्रुप है, सेल्स फोर्स ग्रुप है, उसकी मालकिन भी ये हैं। तो ये भी आपको भूलना नहीं है। तो इनडोमिटेबल ये जो बुक है उसे लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने। सुभाष चंद्र बोस इनके जीवन पर आधारित एक किताब है जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वेंट नेशनलिस्ट, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वेंट नेशनलिस्ट। और इसे लिखा है चंद्रचूर घोष ने। चंद्रचूर घोष ने इस किताब को लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित है। काफ़ी ब्रेव और महान स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस जी। और इन्हीं के जीवन पर जो 23 ऑफ जनवरी है, इस दिन का जन्म हुआ था, बर्थ हुई थी। और कहाँ पर हुई थी वैसे? कटक में हुई थी। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो कटक में इनका जन्म हुआ था। और इसी वजह से 23 ऑफ जनवरी को हमारे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। पराक्रम दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। तो ये भी आपको नहीं भूलना है। पराक्रम दिवस का मतलब है जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनकी यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। तो ये बुक आपको ध्यान में रखनी है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वेंट नेशनलिस्ट, और इसे लिखा चंद्रचूर घोष ने। बढ़ते हैं आगे। बिरसा मुंडा, झारखंड में वैसे जो बिरसा मुंडा जी हैं इनको भगवान बोलते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, राइट। काफ़ी माने जाने जाते हैं ये झारखंड में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर भी थे ये, राइट। तो बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये जो बुक है वो बेस्ड है इनके जीवन पर आधारित है बिरसा मुंडा जी के। और इसे लिखा है किसने? इसे लिखा है तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने, ठीक है। तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा ने किताब लिखी है जिसका नाम है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बिरसा मुंडा के जीवन पर बेस्ड है। और बिरसा मुंडा जी का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर को हुआ था। और 15 नवंबर को इसी वजह से जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाएगा बिरसा मुंडा के जन्म दिन को, राइट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और सो दिस बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बाई तुहिन सिन्हा एंड अंकिता वर्मा। नेक्स्ट बुक इज़ द एंजल्स ऑफ कैलाश, द एंजल्स ऑफ कैलाश, और इसे लिखा है सुबीरा प्रसाद ने। सुबीरा प्रसाद ने लिखा है द एंजल्स ऑफ कैलाश। नेक्स्ट बुक इज़ बाई एम आर सरन। एम आर सरन ने एक किताब लिखी है जो कि बेस्ड है पावर और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, यानी कि जो जाति के आधार पर जो हमारे देश में, जो कास्ट के बेस पर हमारे देश में जो राजनीति होती है, ठीक है, किस तरीके से पोलराइजेशन होता है वोट्स का, इसके ऊपर ये पूरी बुक है। किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो कास्ट है उसको यहाँ पर बेस बनाती हैं और समाज को डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करती हैं। तो इसी यहाँ पर जो इसी थ्योरी है, यही जो थ्योरी है यहाँ पर, ये पूरी जो बुक है वो फोकस है बिहार के गाँव पर, ठीक है, बिहार के गाँव पर ये बेस्ड है, राइट। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है लास्ट अमंग इक्वल्स, लास्ट अमंग इक्वल्स। और जो राइटर है वो है एम आर सरन, पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार्स विलेज, ठीक है, बिहार के गांव में जो पॉलिटिक्स होती है, बिहार में जो पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में ये किताब है लास्ट अमंग इक्वल्स। और जो ऑथर हैं वो हैं एम आर शरण। अगली जो किताब है उसे लिखा है सुभाष गर्ग ने। सुभाष गर्ग ने किताब लिखी है जिसका नाम है द टेन ट्रिलियन ड्रीम। और हमें पता है जो हमारी सरकार है वो चाहती है कि $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो भारत बहुत जल्द बने। और ये किताब जो है वो बताती है कि कैसे भारत 5 से $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। तो द टेन ट्रिलियन डॉलर ड्रीम, ये जो बुक है उसे लिखा है सुभाष गर्ग ने, ठीक है। इकोनॉमी पर बेस्ड है ये, इकोनॉमिक्स पर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है द टेन ट्रिलियन ड्रीम बाय सुभाष गर्ग। नेक्स्ट बुक इज़ अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। और रस्किन बॉन्ड तो फेमस हैं, इनकी बुक्स लगातार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। और रस्किन बॉन्ड ने ही इस किताब को लिखा है, सेलिब्रेटिंग
75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे देश की आज़ादी को इस साल 2022 में 75 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। और इसी पर, इसी के लिए ये जो बुक है वो लिखी है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, समर्पित किया है भारत को। और जो ऑथर है वो है रस्किन बॉन्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो किताब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है रस्किन बॉन्ड की, राइट, लिटिल बुक ऑफ इंडिया। जो अगली किताब है वो है लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, अ हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, और ये जो है वो जो प्राण यानी कि हमारे जो लाइफ का अधिकार है, ठीक है, फंडामेंटल जो राइट है हमारे जीवन का, ठीक है, उसके बारे में बताता है। तो इसके बारे में क्या यहाँ पर प्रोसेस है, अ हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप पॉलिटी में कौन यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं आर्टिकल 21 के बारे में, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, तो आपको ये किताब पढ़नी पड़ेगी, आप इसको पढ़िए। और इसके ऑथर हैं रोहन जे अलवा, रोहन जे अलवा, लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम। अगली जो किताब है उसे लिखा है भारत की पहली महिला IPS, जिनका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी जी ने किताब लिखी है जो कि जो पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी इसकी पूर्व गवर्नर भी रह चुकी हैं किरण बेदी, राइट। तो किरण बेदी ने किताब लिखी, इसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस, फियरलेस गवर्नेंस। काफ़ी यहाँ पर प्रेरणादायक इनकी स्टोरी है, और बहुत सारे जो महिलाएं हैं उनके लिए रोल मॉडल्स हैं, राइट, किरण बेदी जी। तो इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। और इस समय पुडुचेरी की गवर्नर कौन है, इस समय पुडुचेरी की गवर्नर है तमिलीसाई सौंदरराजन, जो कि जो तेलंगाना है इसकी भी गवर्नर हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फियरलेस गवर्नेंस ये बुक लिखी है किरण बेदी ने। अगली जो किताब है वो बेस्ड है यहाँ पर जो भारत के ऑपरेशंस रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक रही हैं भारत की यहाँ पर, उसके बारे में ये बुक एक्सप्लेन करती है। और इस किताब का नाम है ऑपरेशन खात्मा, ऑपरेशन खात्मा, और इसे लिखा है RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने, RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने, और किताब का नाम है ऑपरेशन खात्मा। अगली जो बुक है उसे लिखा है स्टैनले जॉनी और आनंद कृष्णा ने। ये दोनों जो यहाँ पर ऑथर्स हैं ये द हिंदू के लिए लिखते हैं, द हिंदू के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, द हिंदू में इनके आर्टिकल्स अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। तो ये जो बुक है इन दोनों ने लिखी है, स्टैनले जॉनी और आनंद कृष्णा ने। काफ़ी यहाँ पर ज्ञानवर्धक किताब है जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए। और बुक का नाम है द कॉमरेड्स एंड द मुल्ला, चाइना अफगानिस्तान एंड द न्यू एशियन जियोपॉलिटिक्स, द कॉमरेड्स एंड द मुल्ला, बस इतना याद रखो, द कॉमरेड्स एंड द मुल्ला। और जो ऑथर हैं वो हैं स्टैनले जॉनी और आनंद कृष्णा। नेक्स्ट बुक इज गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय कौन है, गोल्डन बॉय आप भूल सकते हैं क्या, नीरज चोपड़ा को, समझ गए होंगे आप, नीरज चोपड़ा, राइट। तो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, ये इन्हीं के ऊपर जो बुक है वो बेस्ड है, और इसे लिखा है नवदीप सिंह गिल ने, नवदीप सिंह गिल ने इस बुक को लिखा है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इसके अलावा एक कॉमिक बुक है, एक कॉमिक है जिसका नाम है अथर्वा द ओरिजिन, अथर्वा द ओरिजिन। और ये जो कॉमिक बुक है इसमें जो लीड हीरो बनाया गया है वो है MS धोनी, ठीक है, MS धोनी को यहाँ पर यूज़ किया गया है इस कॉमिक में, उनका चेहरा यूज़ किया गया है एज अ हीरो, एज अ करेक्टर। तो ये यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय होने वाली है किताब, हो सकती है। तो इसे लिखा है वैसे किसने, रमेश थमिलमणि ने इसको लिखा है, और MS धोनी यहाँ पर इसमें नज़र आएंगे लीड एक्ट में, राइट। और जो अगली बुक है वो है 1857 द सॉर्ड ऑफ मस्तान, द 1857 द सॉर्ड ऑफ मस्तान, और इसे लिखा है विनीत वाजपेयी ने। और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, अटल बिहारी वाजपेयी, और किताब का ही नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं के जीवन पर बेस्ड है ये किताब, और इसे लिखा है सागरिका घोष ने इस किताब को लिखा है। नेक्स्ट बुक इज इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, भारत और जो अफ्रीका है इसके रिलेशंस के बारे में ये जो बुक है एक्सप्लेन करती है, चेंजिंग हॉरिजॉन्स, किस तरीके से यहाँ पर बदल रहे हैं, बदले हैं, तो इसके बारे में
ये जो बुक है पूरे एक्सप्लेन करती है, और इसे लिखा है राजीव भाटिया ने, राजीव भाटिया। अगली जो बुक है उसे लिखा है जाने माने एंटरप्रेन्योर और जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके को फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने, और किताब का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगली जो पेंडेमिक है वो कब पता कि कब आए, राइट, तो इसको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर एक किताब बेस्ड है, ये बुक बेस्ड है, और इसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बाई बिल गेट्स, राइट। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने इसको फाउंड किया था, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर फाउंडर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, तो ये भी आपको नहीं भूलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम में 100% ये आने वाली है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। और आज की हमारी आखिरी किताब जिसका नाम है ह्यूमैन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, इसे लिखा है सैमुअल मोएन ने इस किताब को लिखा हुआ है, ह्यूमैन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी पॉलिसीज़ के बारे में ये बुक एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो अफगानिस्तान है यहाँ से जो यूएसए है उसने पुल आउट किया, इसके अलावा जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया है और जो ईरान है इनके बीच में यहाँ पर टेंशन्स हैं, साथ ही साथ जो यमन में हो रहा है हाउदी रेबिलियंस का हमला हो रहा है यमन में, तो किस तरीके से यहाँ पर अमेरिका का रोल इसमें किस तरीके से है, वॉर यहाँ पर करा रहा है अमेरिका और ख़ुद फ़ायदा यहाँ पर अमेरिका अपना उठा रहा है, राइट। तो इस यहाँ पर पूरी जो सिचुएशन है इसको एक्सप्लेन करती है ये किताब, इसका नाम है ह्यूमैन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडन पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर बाई सैमुअल मोएन, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये थे जनवरी और फरवरी के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनका यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो, क्रिस्प वीडियो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस टाइप के जो वीडियोज़ हैं एग्ज़ाम के पहले, तुरंत आपको देखने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।